हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम अप विद तान्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे आई एम अप विद दिस येलो शिमरी मेकअप लुक। सो गाइस, ये ज़्यादा हैवी लुक नहीं है, बिल्कुल वियरेबल है। आप इसको किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में, किसी भी छोटे मोटे ओकेज़न में इसे ईजिली वियर कर सकते हैं। सो या गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू सी कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। एंड ऑल्सो गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में यूज़ हुए हैं, उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस इंट्रो। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, एज यूजल यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्किन केयर से, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी टोनर। इसको मैं अपने पाम पे लेकर के अपने फेस पे डैप कर लूँगी। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन पैड फॉर दिस पर्पज। एंड गाइज, टोनर आप हमेशा अपने स्किन केयर में इंक्लूड करा करो, भले ही वो मॉर्निंग टाइम स्किन केयर हो या फिर नाइट टाइम स्किन केयर हो, एज टोनर हेल्प्स टू रिड्यूस द अपियरेंस ऑफ द ओपन पोर्स। सो गाइज, नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स एलोवेरा जेल टू मॉइस्चराइज माई फेस। सो गाइज, अगर आपकी कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन टाइप है, देन यू शुड यूज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इन समर्स। बट अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है, तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन लिप बॉम इन बबल गम फ्लेवर। नाउ आई विल यूज़ मेबलिन फैशन ब्राउज इन दी शेड ब्राउन, एंड आई विल यूज़ इट्स पाउडर साइड टू फिल इन माई ब्राउज। मैं इसकी पेंसिल साइड इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि समर्स हैं, इसलिए मैं बस इसकी पाउडर साइड यूज़ कर रही हूँ अपनी आई ब्राउज को फिल इन करने के लिए। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू माई आई मेकअप फर्स्ट, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की कंसीलर स्टिक, और मैं इसको अपनी आईलेट पर और अपनी अंडर आइज पर अप्लाई करूँगी। ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, कवरेज इसकी आपको मीडियम मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज नहीं मिलेगी, पर इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है और इसी वजह से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नाउ आई विल ब्लेंड माई कंसीलर विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका काफ़ी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, इसलिए मैं इसको अपने फिंगर्स से ब्लेंड कर रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट। नेक्स्ट टू सेट माई कंसीलर आई विल यूज़ दिस NYBA ग्रैंड एम्पायर कॉम्पैक्ट इन दी शेड निकोल्स आइवरी गेज। सो गाइज, ये मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको डेली बेसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, मूविंग ऑन टू माई आई मेकअप, आई विल यूज़ दिस SFR कलर आईज प्रोमैक्स आई शेडो पैलेट, और मैं इसमें से ये येलो शेड पिक करूँगी। ये बिल्कुल ब्राइट येलो नहीं है, ये हल्का सा डार्क टोन में आ जाता है, और मैं इस आई शेडो को पहले अपनी आई पे प्लेस करूँगी और फिर मैं इसको धीरे धीरे करके ब्लेंड करती जाऊँगी। मैं पूरी आई पे यही वाला शेड अप्लाई करूँगी, काफ़ी ज़्यादा इजी है ये वाला आई मेकअप, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। एंड गाइज, टॉकिंग अबाउट दिस आई शेडो पैलेट, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आई शेडो पैलेट, और ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज करी थी, तो अगर आप उसकी हॉल देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन चेक इट आउट। सो गाइज, नेक्स्ट आई एम पिकिंग अप दिस येलो शिमरी शेड। ये गोल्डन नहीं है, ये हल्का से येलोइश टोन में आ जाता है, और मैं इसको अपनी आईलिड पे अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट फॉर माई आई लाइनर आई एम यूजिंग दिस बेले वोस्टे लिक्विड आई लाइनर इन दी शेड ब्लैक, एंड इसकी हेल्प से मैं एक थिंग विंग आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट दिस आई लाइनर, मैं इसको खुद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको परचेज किया है। सो गाइज, ये जो आई लाइनर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका जो एप्लीकेटर है उसकी हेल्प से काफ़ी ईजिली विंग आई लाइनर ड्रॉ हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। आई थिंक 150 के आसपास का आपको मिल जाएगा purple.com पे, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस NYBA डीप इंटेंस कोल काजल इन दी शेड ब्लू। सो गाइज, यहाँ पे मैं ब्लू काजल इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट आए, एज दिस मेकअप लुक इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द आईज, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक काजल यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा सा कोमल लगता है इस आई मेकअप के लिए।
Now I am using this Maybelline Hypercurl Volume Express Mascara to curl my lashes. So guys, यहाँ पे मैं falsies apply नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा heavy look नहीं चाहिए था और ये जो mascara है ये भी अच्छी खासी volume provide कर देता है eyelashes को. But if you want a heavy look, you can definitely use falsies for it as it is completely optional. Now moving to my face makeup, I will use NYB primer. So ये जो primer है कि silicon based primer है और काफ़ी ज़्यादा smooth कर देता है skin को. So मैं इसको अपनी T-zone पे focus करते हुए लगाऊंगी as जो मेरा T-zone है वो काफ़ी ज़्यादा oily है. And guys, primer आप हमेशा use करा करो, इससे जो आपका makeup है वो भी long lasting रहता है. नेक्स्ट आई विल यूज़ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड 115 आइवरी. सबसे पहले मैं इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. गाइज, आप हमेशा अपनी फाउंडेशन को ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई करा करो, इससे जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इवनली लगती है अपने फेस पे. नेक्स्ट आई विल ब्लेंड माई फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर. ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको मैंने पहले से ही वेट कर लिया था और सारा एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर लिया था. आपको हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर इसी तरीके से यूज़ करना होता है गाइज, और अपनी फाउंडेशन को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना होता है ताकि बिल्कुल नेचुरल फिनिश आए और फाउंडेशन पैची ना लगे. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की कंसीलर स्टिक और इसको मैं अपने यूजुअल एरियाज पे अप्लाई करूँगी, जैसे मेरी ब्रिज ऑफ द नोज, अंडर आइज और फोरहेड. देन मैं इसको अपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी जिससे मैंने अपनी फाउंडेशन ब्लेंड की थी. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गाइज कि इसकी जो कवरेज है ये मीडियम है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज प्रोवाइड नहीं करता है. बट अगर आपको नॉर्मल कवरेज चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस कंसीलर. नेक्स्ट टू सेट माई बेस आई एम यूजिंग दिस NYB ग्रैंड एम्पायर कॉम्पैक्ट इन दी शेड निकोल साइवरी गेज और इसको मैं एक बफिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ SFR कलर कॉन्टोर की ये पैलेट और इसमें से मैं ये ब्रोंजर शेड लूँगी, अपने फेस को ब्रोंज करूँगी. यहाँ पे मैं अपने नॉर्मल एरियाज में ब्रोंज कर रही हूँ गाइज, जैसे कि मेरी जो लाइन, चीक बोन और फोरहेड. सो गाइज, यहाँ पे मैं नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा ब्रोंजिंग कर रही हूँ क्योंकि ये जो आई मेकअप है इसके साथ बिल्कुल चिजल्ड लुक अच्छी लगेगी. नेक्स्ट मैं इसी पैलेट में से ये पीची शेड लूँगी अपने ब्लश के लिए और मैं इस लुक में ज़्यादा ब्लश अप्लाई नहीं कर रही हूँ गाइज. Now moving to my highlighter, I am using this Maybelline Master Chrome Highlighter in the shade Molten Gold और मैं इसको अपने usual areas पे apply करूँगी अभी, जैसे मेरी cheekbone और मेरी bridge of the nose. So guys, ये भी highlighter काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल natural glow देता है ये. अब मैं एक छोटा सा flat brush लूँगी और इसकी help से मैं अपनी brow bone को highlight करूँगी और अपने eyes के inner corners को highlight करूँगी. Now moving on to my lips, I will use this Lakme 925 Primer Plus Matte Lipstick in the shade Blush Book. And on the top of it, I will use this Huda Beauty's dupe in the shade Sugar Mama. And ये मैंने Instagram store से purchase किया था, उसका link मैं आपको description में provide कर दूँगी.
सो या गाइज डेट्स इट, आवर मेकअप लुक इज़ कम्प्लीट। कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको ये लुक कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सो या गाइज डेट्स इट, मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।